बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई। जो गरीबी उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। पेट में दर्द है आप दे दीजिएगा सर दर्द का दवा तो काम चलेगा। तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, गरीब कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा। इसीलिए हम लोगों की मांग रही, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है, उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। आज बजट बनता है, दो दो लाख करोड़ के ऊपर का बजट चला गया है, उसमें से गरीब को क्या खर्च कितना पहुंच रहा, कितना मिल रहा है भाई। अभी उदयनारायण चौधरी जी ने कहा कि दलितों का जो है स्कॉलरशिप जो है खत्म कर दिया गया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया। तो बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई, कराता है कि नहीं कराता है। तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक कैसे काम होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा लोग, है कि नहीं। पेट में दर्द है आप दे दीजिएगा सर दर्द का दवा तो काम चलेगा, इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लंगड़ा रहा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेकर संसद तक लड़े, और हमको जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। उसमें पता चला कि उच्च जाति के लोग इतने गरीब हैं, पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है, और आदिवासी जो देश जो बिहार में है सबसे गरीब हमारी आदिवासी लोग है। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला, उसमें ये भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग
दिलवाने का काम करेंगे ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो ताकि वो लोग आगे बढ़े।